आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। तो समय हो गया है इस वक्त की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का, जहां तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएंगे। दरअसल यूपी में 20 फरवरी को तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें ब्रज और यादव बेल्ट के जिले तो बुंदेलखंड के भी 5 जिले शामिल है, जिसके लिए आज यानी कि शुक्रवार शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में आज यूपी में सभी सियासी दिग्गज सूबे की विधानसभा सीटों पर अपना दमखम दिखाएंगे। वहीं अगर बात 2017 की करें तो बीजेपी ने 2017 के चुनावों में इन 59 सीटों में से 49 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि सपा कांग्रेस गठबंधन को महज 9 सीटें मिली थी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अखिलेश यादव के चुनावी क्षेत्र करहल में जनसभा भी करेंगे। तो आपको बता दें कि तीसरे चरण का चुनावी शोर आज शाम 6 बजे से थम जाएगा, जिससे पहले लगातार सभी पार्टी पक्ष और विपक्ष सभी पार्टियों के नेता लगातार रैली और जनसंपर्क के माध्यम से जनता को अपने खेमे में लाने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। यही वजह है कि लगातार तीसरे चरण को लेकर सभी पार्टी के दिग्गज, फिर चाहे वो बसपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, लगातार इन 16 जिलों में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। और ये जो तीसरे चरण का चुनाव है, ये उन दोनों चरणों के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा मुश्किल भी साबित होगा, क्योंकि इनमें कुल 16 जिलों में वोट डाले जाएंगे। तो आपको बता दें कि लगातार जो सभी पार्टी के दिग्गज है वो तीसरे चरण को लेकर मतदाताओं से संवाद कर रहे हैं। कोई पार्टी डोर टू डोर कैंपेन अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने के लिए कर रही है, तो कोई जनसंपर्क के माध्यम से जनता को लुभाने के कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहा है। यही वजह है कि लगातार सभी पार्टियां अलग अलग जिलों में जाकर, सभी पार्टियों के दिग्गज अलग अलग जिलों में जाकर जनता को साध रहे हैं। तो आपको बता दें कि तीसरे चरण के जो मतदान है वो 20 फरवरी को होंगे, जिसको लेकर आज प्रचार शाम 6 बजे तक थम जाएगा। इसी कड़ी में लगातार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव समेत सभी पार्टी के दिग्गज इन 16 जिलों की विधानसभा सीटों में जाकर जनता को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वही अगर साल 2017 की बात की जाए तो बीजेपी ने 2017 के चुनावों में 59 में से 49 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि सपा और कांग्रेस गठबंधन को महज 49 सीटें ही मिली थी और बसपा और कांग्रेस को इस 2017 के चुनाव में महज 1-1 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। तो आपको बता दें कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, जिसको लेकर कई जगहों पर ऐसा भी हो सकता है कि भाजपा और सपा के कैंडिडेट आमने सामने भी आए, तो यह जोरदार टक्कर कई जनपदों में देखने को भी मिलेगी। अब भाजपा यही कोशिश करेगी कि 2017 के वो अपने जो भी उसके परिणाम आए थे वो उन सीटों पर जीत हासिल करे, लेकिन सपा इसके बिल्कुल विपरीत चाहेगी, क्योंकि सपा और कांग्रेस गठबंधन को 2017 में महज 9 सीटें ही मिली थी। तो सपा चाहेगी कि जो परिणाम है वो 2017 से बिल्कुल विपरीत है। इसी को लेकर सपा लगातार पूरे दमखम के साथ सभी जनपदों में जाकर, सभी 16 जनपद में जाकर लगातार जनता को साधने की पूरी कोशिश करेगी। आज प्रचार का आखिरी दिन है, जिसको लेकर सभी पार्टी के दिग्गज, फिर चाहे वो बसपा हो, कांग्रेस हो, लगातार जनता के बीच जाकर लोगों को साधने की कोशिश कर रही है। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा अपने 5 साल के विकास कार्यों के दम पर ये चुनाव जीतना चाहेगी। अगर बात यूपी के चुनावों की जाए तो ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी के चुनावों से होकर जाता है, जिसके लिए सभी पार्टियां लगातार अपना दमखम दिखा रही हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अखिलेश यादव के चुनाव क्षेत्र करहल में जनसभा करेंगे, जबकि बीते दिन अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने बेटे के लिए सपा सुप्रीमो के पिता खुद चुनावी मैदान में उतरे थे। इस दौरान शिवपाल यादव भी चुनावी प्रचार में देखने को मिले थे। तो आपको बता दें कि 5 साल बाद ऐसा हुआ कि यादव परिवार एक साथ चुनाव प्रचार में उतरा है। तो आपको बता दें कि करहल इस विधानसभा की हॉट सीटों में से शामिल है, क्योंकि इसमें सपा और भाजपा के दो दिग्गज नेता आमने सामने आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि भाजपा से एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जबकि करहल से
खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो तीसरे चरण की लड़ाई बेहद दिलचस्प साबित होने वाली है, क्योंकि इस तीसरे चरण में 16 जिलों में वोट डाले जाएंगे। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए महोबा से हमारे संवाददाता दिलीप जुड़ चुके हैं। तो दिलीप, आज और कौन कौन से नेताओं की महोबा में आने की आशंका जताई जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि तीसरे चरण में और महोबा विधानसभा और चरखारी विधानसभा में चुनाव होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही है, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या अखिलेश यादव हो या डिप्टी सीएम हो या अन्य पार्टियों के नेता हो, सभी महोबा जनपद के दौरे कर रहे हैं। और आज संभवतः बसपा सुप्रीमो मायावती और असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा है। इसके अलावा अन्य जो प्रत्याशी हैं अलग अलग दलों के, महोबा विधानसभा दोनों बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं परिस्थितियां बीजेपी के लिए भी उतनी आसान नहीं है और ये चुनाव बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है, क्योंकि सपा और भाजपा के साथ साथ अन्य जो बीएसपी हो या कांग्रेस हो, वो भी कहीं ना कहीं त्रिकोणीय और चतुर्कोणीय मुकाबला कई जगह बनता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है महोबा जिले की दोनों विधानसभा सीटों को जीतने के लिए। यही वजह है कि आए दिन चाहे मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम हो और बड़े बड़े बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार महोबा जिले के दौरे कर रहे हैं। तो अभी तक महोबा जिले में और कौन कौन से दिग्गज आ चुके हैं दिलीप जी? जी बिल्कुल, निशान पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा अभी पहुंचे थे चरखारी और अखिलेश यादव का दौरा हुआ महोबा, योगी आदित्यनाथ भी आए थे, डिप्टी सीएम केशव मौर्य हो या दिनेश शर्मा हो, राजनाथ सिंह हो, बड़े बड़े दिग्गज महोबा का दौरा कर चुके हैं। और आज मायावती चरखारी आ रही है, तो वही असदुद्दीन ओवैसी महोबा सदर में जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी के लिए बाबू सिंह कुशवाहा के साथ जनसभा संबोधित करने आ रहे हैं। जी अच्छा, लगातार नेताओं का जो जमावड़ा है वो महोबा में लग रहा है, इसको लेकर प्रशासन कितना अलर्ट दिखाई दे रहा है? प्रशासन नेताओं की रैलियों को लेकर चाक चौबंद जो व्यवस्था की गई थी, हालांकि अभी बीते दो दिन पूर्व जिस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा था, उस दिन कांग्रेस के नेता इमरान प्रताप गली का भी महोबा में जनसभा को संबोधित करने आना था, लेकिन किसी वजह से प्रशासन ने उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की और कार्यक्रम करने की परमिशन जो पहले दी थी उसको निरस्त कर दिया। हालांकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनको जानबूझकर उनके साथ उनकी सभा को रोक दिया गया। तो दिलीप जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि महोबा में 2017 के आंकड़े क्या थे? महोबा में आपको महोबा सदर से जो वर्तमान प्रत्याशी है राकेश गोस्वामी और चरखारी से ब्रजभूषण राजपूत दोनों एक बड़े अंतर से जीते थे और उस समय बीजेपी की जो लहर चल रही थी वो, लेकिन इस बार परिस्थितियां बीजेपी के लिए उतनी आसान दिखाई नहीं दे रही है। जी जी धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम आपको बता दें, क्या तीसरे चरण का प्रचार थम जाएगा, जिसको लेकर सभी पार्टी के दिग्गज लगातार 16 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनता को साधने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। यही वजह है कि सभी पार्टी के दिग्गज नेता लगातार अपना दमखम दिखाते हुए जमीनी स्तर पर जाकर लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से भी अपने खेमे मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज शुक्रवार शाम यानी कि आज शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। इसके साथ ही सभी नेता फिर चौथे चरण की भी तैयारी में जुट जाएंगे। तो आपको बता दें कि चौथे चरण का चुनाव जो है वो 23 को होना है, जबकि तीसरे चरण का चुनाव 20 को होना है। ऐसे में सभी पार्टी के दिग्गज लगातार अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। ऐसे में पक्ष जो है वो अपने विकास कार्यों को गिनाकर जनता को फिर से वोट देने की अपील कर रहा है, तो विपक्षी पार्टी जो है वो अपने विकास कार्य बीते अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को गिनाकर जनता को अपने खेमे में लाने का प्रयास कर रही है। तो आपको बता दें कि इस जो तीसरे चरण का चुनाव है इसमें कुल 16 जिलों में वोट डाले जाएंगे, जिनमें ब्रज और यादव बेल्ट के जिले तो बुंदेलखंड के भी 5 जिले शामिल हैं।
जिसके लिए आज शाम 6 बजे तक चुनावी प्रचार थम जाएगा। ऐसे में यूपी के सभी सियासी दिग्गज, और अगर बात भाजपा की जाए तो केंद्र सरकार के भी सियासी दिग्गज लगातार इन सूबे की विधान सीटों पर अपना दमखम दिखा रहे हैं। सभी पार्टी के नेता लगातार इन 16 जिलों में जाकर आज जोर आजमाएंगे और इस अंतिम चरण के जो भी आज इन प्रचार का जो भी अंतिम चरण है, इसको लेकर सभी पार्टियां लगातार जोर शोर से अपना चुनावी प्रचार कर रही हैं। भाजपा अपने 5 सालों की उपलब्धियां गिनाकर वोट लेना चाहती है और ऐसे कोई भी मुद्दे नहीं है जिनके बल पर चाहे वो पक्षी पार्टी हो या विपक्षी पार्टी हो, वोट लेने का मौका नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि अगर बात की जाए तो लगातार कोई पार्टी अपना विकास कार्य गिना रही है तो कोई पार्टियां अपना बीते 5 साल में जब वो सत्ता में थी तो उसके दम पर चुनाव जीतना चाहती हैं। तो आज तीसरे चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा, जिसको लेकर सभी पार्टियां लगातार जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रही हैं, जिसमें कई जनपद ऐसे भी है जहां आज सपा और भाजपा का आमना सामना भी होगा और दिग्गजों की भीड़ है। तो जायज सी बात है कि प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट होगा कि किसी भी जगह पर कोई भी हिंसा ना होने पाए, कार्यकर्ताओं के आपस में भिड़ंत ना होने पाए। तो प्रशासन की भी यही उम्मीद होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान है वो भी डलाए जाए और आज चुनाव प्रचार भी शांतिपूर्ण तरीके से इन 16 जिलों में खत्म हो जाए। तो बीते 2 चरणों का मतदान जो है वो यूपी में संपन्न हो चुका है और अब तीसरे चरण की बारी है। इन तीसरे चरण में ब्रिज और यादव बेल्ट के जिले तो बुंदेलखंड के भी 5 जिले शामिल हैं, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो आपको बता दें कि यूपी में कुल 7 चरणों में मतदान डाले जाएंगे, जबकि 2 चरणों के मतदान जो है वो संपन्न हो चुके हैं। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए फरुखाबाद से हमारे संवाददाता सुंदरम जुड़ चुके हैं। जी सुंदरम जी, तो आज फरुखाबाद में किन किन दिग्गज नेताओं के जुटने की संभावना है? जी आवाज नहीं आ रही थोड़ी। सुंदरम जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बोलिए जी सुंदरम जी। तो तीसरे चरण का जो आज जो प्रचार है वो थम जाएगा, इसको लेकर आज कौन कौन से नेताओं की जुटने की संभावना जताई जा रही है? जी फरुखाबाद में मैं बताना चाहूंगा कि आज तीसरे चरण का जो प्रचार अभियान है वो समाप्त होने जा रहा है। इससे पूर्व में सभी ज्यादातर जो बड़े नेता थे, चाहे समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हों, महंत योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी हों, और चाहे अन्य नेता हों, वो ज्यादातर फरुखाबाद में दौरे कर चुके हैं और ज्यादातर दौरे हो चुके हैं। लेकिन आज केवल समाजवादी महानदल गठबंधन की तरफ से केशव देव मौर्य की एक बड़ी जनसभा फरुखाबाद के क्रिश्चियन कॉलेज ग्राउंड में होनी है। इसके अलावा अभी तक कोई बड़ी रैली के लिए किन किन दिग्गजों ने फरुखाबाद में रैली या जनसंपर्क किया है? जी फरुखाबाद में विभिन्न पार्टियों के जो दिग्गज हैं उनके द्वारा रैली की गई, जिसमें प्रमुख रूप से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो गए, समाजवादी पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा रैली की गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अमृतपुर विधानसभा के राजीपुर क्षेत्र व भोजपुर विधानसभा के कमालगंज क्षेत्र में जनसभा की गई है, असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा भी फरुखाबाद जिले में 5 दिन के अंदर 2 बड़ी रैलियां की गई हैं, जिसके सीएम केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा भी 2 विधानसभाओं में लगातार 3 दिन के अंदर 2 बार रैली की गई है। अच्छा, तो जैसे तीसरे चरण का आज जो चुनाव प्रचार थम जाएगा, इसको लेकर प्रशासन कितना कुछ अलर्ट है कि लगातार आज सपा की भी रैली होने जा रही है, इसको लेकर प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं? जी प्रशासन की तैयारियां पहले से ही चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। प्रशासन की तरफ से भारी मात्रा में पुलिस बल व पैरामिलिट्री के जवान सुरक्षा व्यवस्था के लगाए गए हैं, सघन चेकिंग अभियान चलाई जा रही है। आपको बताना चाहूंगा कि देर रात्रि ही फरुखाबाद के थाना मेरापुर के एक स्थान पर रात्रि लगभग 2 बजे 12 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है और वहां पर उस पर कार्रवाई की जा रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी नजर आ रही है। अच्छा सुंदरम जी, जैसे कि बीते 2 चरणों के चुनाव जो है वो प्रदेश में संपन्न हो चुके हैं, जहां कई ईवीएम खराब होने की खबरें सामने आई हैं, तो इसको लेकर प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं? जी फरुखाबाद के जो डीएम है संजय कुमार सिंह, उनके द्वारा सख्त आदेश दिए गए हैं, अगर किसी भी पोलिंग स्टेशन पर कोई भी ईवीएम कोई भी खराबी आती है उसको त्वरित रूप से बदला जाए, और ये सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होगी, वहां पर जो नोडल अधिकारी है उनकी जिम्मेदारी होगी कि किसी भी प्रकार की ईवीएम से जुड़ी हुई समस्या का निदान जल्द से जल्द किया जाए। अच्छा, 2017 में यहाँ के चुनाव नतीजे क्या रहे थे सुंदरम जी?
जी फरुखाबाद विधानसभा के चुनाव जो 2017 का हुआ था इसमें चार सीटें हैं और चार की चारों सीटों पर भाजपा का परचम लहराया था और चार की चारों सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज करके क्लीन स्वीप किया था यहाँ से। तो इस बार क्या लगता है कि इस बार के जो नतीजे हैं वो भी भाजपा के पक्ष में आएंगे, क्योंकि लगातार आप जनता के बीच जाकर जनता के मुद्दों को समझ रहे हैं? जी इस बार का जो चुनाव नतीजा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोमांचकारी मुकाबला हो गया है, क्योंकि अमृतपुर सीट से जहां पर भारतीय जनता पार्टी से सुशील शाह के विधायक हैं और उन्हीं को प्रत्याशी बनाया गया है, वहां पर क्या हुआ है कि समाजवादी पार्टी के जितेंद्र यादव के वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी से ही वहां पर बगावत हुई है और भारतीय जनता पार्टी से भी बगावत हुई है। भाजपा से वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सुरेश राजपूत, जो कि चुनाव संचालन समिति का उन्हें सदस्य बनाया गया था और एक दिन पूर्व भी उन्होंने इस्तीफा देकर पार्टी से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक दी थी, वहीं जो पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव है जो कि 5 बार से अधिक विधायक रहे हैं अमृतपुर क्षेत्र से, तो उनको भी समाजवादी पार्टी का टिकट नहीं मिला, तो वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहे हैं। कहीं ना कहीं फरुखाबाद की जो अमृतपुर विधानसभा है वहां पर निर्दलियों का भी एक बड़ा प्रभाव रहने की उम्मीद है। और आपको बताना चाहूंगा कि चाहे भोजपुर विधानसभा हो चाहे फरुखाबाद सदर की सीट की विधानसभा हो, यहां पर भी फरुखाबाद सदर सीट से बताना चाहूंगा मेजर सुनील द्विवेदी, जो कि कद्दावर नेता पूर्व मंत्री भी रहे हैं ब्रह्मदत्त द्विवेदी, उनके पुत्र है और 2017 में चुनाव भी जीते थे, उनका जो कड़ा मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी और महादल गठबंधन प्रत्याशी हैं सुमन मौर्य उनके साथ है, और कहीं ना कहीं केशव देव मौर्य और अन्य लोगों के द्वारा निरंतर प्रचार चल रहा है, फरुखाबाद सदर सीट में भी कड़ा मुकाबला हो रहा है। धन्यवाद सुंदरम जी, और ये केशव देव मौर्य की पत्नी है। जी जी धन्यवाद जी सुंदरम जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दे कि जो फरुखाबाद सीट के नतीजे हैं, अगर 2017 की बात की जाए तो चारों ही सीटें भाजपा के खेमे में आई थी, लेकिन इस बार जो फरुखाबाद में है वो कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। तो आपको बता दें कि तीसरे चरण का प्रचार आज थम जाएगा, शाम 6 बजे तीसरे चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में सभी पार्टियों के दिग्गज लगातार अलग अलग जनपद में जाकर अपना दमखम दिखाएंगे और जनता को अपने खेमे में लाने की पूरी कोशिश करेंगे, जबकि यूपी में बीते 2 चरणों का मतदान हो चुका है और अब तीसरे चरण की बारी है, जिसको लेकर सभी पार्टी के दिग्गज, फिर चाहे वो बसपा हो, सपा हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो, लगातार डोर टू डोर कैंपेन करके जनता के बीच जाकर जमीनी स्तर पर उतरकर जनता को साधने की कोशिश कर रही है। तो आपको बता दें कि तीसरे चरण में ब्रज और यादव बेल्ट के जिले तो बुंदेलखंड के भी 5 जिले शामिल है, जबकि दोनों चरणों के मुकाबले ये चरण हर पार्टी के लिए बेहद मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें 16 जिलों पर चुनाव लड़े जाएंगे। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता संजीव जुड़ चुके हैं। तो संजीव जी, आज कौन कौन से नेताओं की फिरोजाबाद में जुटने की संभावना जताई जा रही है? देखिए, फिरोजाबाद में लगातार काफी दिनों से नेताओं का जुटने का सिलसिला जारी था। कल अमित शाह और अखिलेश यादव ने यहाँ ताबड़तोड़ जनसभाएं की हैं। आज फिरोजाबाद में किसी बड़े नेता के आगमन की कोई अभी तक सूचना नहीं है। जी, तो आज लगातार नेता जो लोग आ रहे हैं या जो पहले भी आ चुके हैं, इनको लेकर प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी है? देखिए, फिरोजाबाद में 5 विधानसभा क्षेत्रों में 20 लाख से अधिक मतदाता यहाँ मतदान का प्रयोग करेंगे। 700 इंस्पेक्टर और लगभग 20,000 से ज्यादा के जवानों की यहाँ तैनाती की गई है पुलिस विभाग की, और लगभग 71 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की लगाई गई हैं। तो 2017 में चुनावी नतीजे क्या रहे थे यहाँ से? 2017 में चुनावी नतीजे ये रहे थे यहाँ से कि एक सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, बाकी 4 सीटों पे बीजेपी ने अपना परचम लहराया था। तो धन्यवाद संजीव जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि आज तीसरे चरण का जो प्रचार है वो थम जाएगा, जिसको लेकर आज सभी पार्टी के 16 जिलों में अलग अलग जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिसके लिए सभी पार्टी के दिग्गज लगातार जनसंपर्क करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। तो आपको बता दें कि तीसरे चरण में 59 सीटों पर मतदान होना है, जिनमें ब्रज और यादव बेल्ट के जिले तो बुंदेलखंड के भी 5 जिले शामिल हैं। तो आपको बता दें कि अब आज जब चुनाव प्रचार थम रहे हैं, तो ऐसे में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तीसरे चरण का प्रचार का आखिरी दिन है। तो आपको बता दें कि यूपी में 7 चरणों में मतदान होने हैं और तीसरे चरण का प्रचार आज थम रहा है। इसको लेकर और जानकारी के लिए फिरोजाबाद से संजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो संजीव जी, अभी तक और कौन कौन से नेता जो है वो फिरोजाबाद में आ चुके हैं?
देखिए फिरोजाबाद में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनकी जनसभाएं हुई हैं। अब योगी आदित्यनाथ की सभाएं हुई हैं यहाँ पे, अमित शाह यहाँ आए हैं, केशव प्रसाद मौर्य आए हैं। बीएसपी के किसी बड़े नेता का आगमन इसे यहाँ नहीं हुआ है। धन्यवाद संजीव जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि आज तीसरे चरण के प्रचार का अंतिम दिन है और शाम 6 बजे तक ये प्रचार थम जाएगा। तो 59 सीटों पर कुल मतदान होना है। 59 सीटों में आज सभी प्रत्याशियों के लिए सभी पार्टी के दिग्गज नेता लगातार प्रचार प्रसार करेंगे और वोटरों को अपने खेमे में लाएंगे। तो आपको बता दें कि आज यूपी के सभी सियासी दिग्गज सूबे की विधानसभा सीटों पर अपना दमखम दिखाएंगे। तो आपको बता दें कि 16 जिलों में 20 को वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर सभी पार्टियां लगातार डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, जनसंपर्क करेंगे और जनता को साधने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है, ऐसा कोई भी विकास का मुद्दा नहीं है जिसको लेकर पार्टियां वोट ना हासिल करना चाहे। तो इस चुनाव में कई मुद्दों को ऐसा बनाया गया है जिससे सभी पार्टियां जनता को लुभा सके। वहीं भाजपा अपने 5 साल के विकास कार्यों को गिनाकर जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है, जबकि वहीं भाजपा की बात की जाए तो भाजपा लगातार जनता को साधने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आज के लिए इतना ही। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।